अस्सलामुअलैकुम। इंटरनेट की दुनिया में रिस्क कमाने के, पैसा कमाने के बेशुमार तरीके हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए बिना किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के, बिना एक्सपीरियंस के रिस्क कमाना चाहते हैं, तो इस काम के लिए सबसे बेस्ट वे है Amazon एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट बना के रिस्क कमाना। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। पाकिस्तान में रहते हुए आप Amazon से जितनी चाहें अर्निंग कर सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके। और वो मेहनत करनी कैसे है, तरीका आपको मैं गाइड करता हूँ। आपने वेबसाइट कैसे बनानी है, Amazon पे अकाउंट कैसे बनाना है, चीजों को अपनी साइट पे लगाना कैसे है, और किस तरह आपने अपनी साइट पे ट्रैफिक, ऑडियंस ला के रिस्क कमाना है। लेकिन ये सब कुछ शुरू करने से पहले आप अपने माइंड के अंदर एक प्रॉपर नीश सिलेक्ट कर लें कि आपकी साइट की नीश क्या होगी, आप Amazon की किस तरह की प्रोडक्ट्स को अपनी साइट पे लगाएंगे। देखा देखी में आपने कोई काम नहीं करना, अपने पैशन को झांकें। यकीन करें, जो इंसान अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेता है, तो इससे बड़ी अय्याशी कोई नहीं। तो अगर आप भी पाकिस्तान में रहते हुए Amazon को अपना ऑनलाइन अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और गौर से सुनें। इंशाल्लाह अगर आपने प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो कर लिया, तो आप जरूर रिस्क कमाएंगे। तो चलें सबसे पहले साइट बनाते हैं, फिर Amazon एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, देन Amazon की प्रोडक्ट्स को अपनी साइट पे लगाते हैं। तो डोमेन और होस्टिंग बाय करने के लिए एज ऑलवेज मैं आपको रिकमेंड करता हूं hostinger.pk, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से Hostinger सबसे फास्ट, सबसे रिलायबल, सबसे बेस्ट और सिक्योर है। और नो डाउट इससे मुझे भी रिस्क मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। और इन सबसे बढ़ के इनके पैकेजेस में जो फीचर्स अवेलेबल हैं, वो आपको किसी और होस्टिंग प्लेस पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम क्लेम डील पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप चूज करें इनका बिजनेस प्लान। उसकी रीजन, क्योंकि इसमें आप बाद में जितनी चाहे साइट्स को ऐड कर सकते हैं, फ्री डोमेन अवेलेबल है, और इसके साथ ही यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक जबरदस्त प्लगइन, फ्री Amazon एफिलिएट वर्डप्रेस प्लगइन, जिसकी वैल्यू हजारों रुपए में है, जो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, और इसी बेस पे हमारी साइट बननी है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत से फीचर्स हैं जो आपको बाकी प्लान्स में नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसमें मिलेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चलें बिजनेस प्लान के साथ। अब इस पॉइंट पे अगर आपके पास बजट की कमी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाएं 48 मंथ प्लान के साथ, अगर आप वाकई ही एफिलिएट मार्केटिंग को अपना परमानेंट इनकम सोर्स बनाना चाहते हैं। और अगर बजट की कमी है, तो आप यहां से एक साल का पैकेज जो 14,000 रुपए का पड़ता है, और दो साल का पैकेज जो आपको पड़ेगा 23,000 रुपए का, ये भी आप चूज कर सकते हैं अपने बजट के मुताबिक। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जाएं 48 मंथ के साथ। और अगर आपको इसमें भी मजीद डिस्काउंट चाहिए, तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं फैसल, जिसके बाद तकरीबन 44,000 रुपए वाला पैकेज आपको पड़ेगा सिर्फ 38,800 में। इसी तरह अगर आप मेरे कूपन कोड के साथ दो साल के पैकेज में जाते हैं, तो वो आपको पड़ेगा सिर्फ 21,000 में, और एक साल का पैकेज आपको पड़ेगा सिर्फ 12,900 में। तो यहां से आपने अपनी मर्जी का पैकेज चूज करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपने अपनी डिटेल एंटर करनी है, देन कंटिन्यू। यहां पर आपने अपना प्रेफर्ड पेमेंट मेथड चूज करना है, क्रेडिट कार्ड, अल्फा वैलेट, इजी पैसा, जैस कैश, HBL की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। अपनी मर्जी के ऑप्शन चूज करने के बाद आपने यहाँ पे पेमेंट डिटेल एंटर करनी है। इसके बाद आपने क्लिक करना है सबमिट पेमेंट पर। और पेमेंट सबमिट करते ही आप आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे क्रिएट अ वेबसाइट, देन नेक्स्ट। यहाँ पर आपने अपना एक ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी टाइप चूज करना चाहें, तो टाइप चूज कर सकते हैं, वरना क्रिएट अ ब्लैंक साइट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री डोमेन मिल रही है, जो भी आपने अपनी साइट का नेम रखना है, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे मैंने चूज किया है बेस्ट बैकपैक चॉइस, फ्री डोमेन मिल रही है हमें पूरे एक साल के लिए, इस पे क्लिक करेंगे, देन नेक्स्ट। इसके बाद क्लिक करेंगे फिनिश रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक हमने सर्वर चूज कर लेना है, हम कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स का, नेक्स्ट। और फौरन ही आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जी, हमारा Hostinger पैनल रेडी होकर हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है वर्डप्रेस पर, देन ओवरव्यू। और सबसे पहला काम आपने जो करना है, वो आपने करना है Hostinger Amazon एफिलिएट कनेक्टर को इंस्टॉल। इसके अलावा अगर आप और भी कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते, वो भी रिकमेंडेशन हमें दी जा रही है यहाँ पर। आप इनमें से कोई भी यूज करना चाहें, इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके बाद हमने आ जाना है वर्डप्रेस एडमिन पैनल पर। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले हमने ज्वाइन करना है Amazon एफिलिएट प्रोग्राम। उसके लिए आप आ जाएंगे गूगल में, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, पहली साइट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है आपने। अगर तो आपका Amazon पे ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो आप लॉगिन कर लेंगे। अगर नहीं है, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट को आप इजिली क्रिएट कर लेंगे। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, मैं साइन इन कर लेता हूँ। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपने अपनी जो साइट बनाई है, आपके जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपका जो यूट्यूब चैनल है, जहाँ से आप Amazon के लिंक्स पर ट्रैफिक लेके जाएंगे, ऑडियंस लेके जाएंगे, कस्टमर्स लेके जाएंगे, वो तमाम सोर्सेज आपने यहाँ पे ऐड कर देने हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने अपनी वेबसाइट बनाई है,
bestbackpackchoice.com इसको ऐड कर देते हैं। इसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ। इसी तरह आपने जो जो सोशल मीडिया हैंडल्स और साइट्स को ऐड करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, देन आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है नो, क्योंकि हमारे इन तमाम सोर्सेज में किसी भी एज के लोगों के लिए कोई भी मसला नहीं है। इसके बाद आप क्लिक करेंगे कन्फर्म पर। यहाँ पर आप अपने स्टोर की जो भी आईडी रखना चाहते हैं वो आईडी आप एंटर करेंगे। यहाँ पर आपने बताना है कि आप अपनी साइट के चैनल पे क्या काम करते हैं, आपकी ऑडियंस को वहाँ पे क्या मिलता है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, आई एम ब्लॉगर एंड यूट्यूबर, आई डू एफिलिएट मार्केटिंग ऑन माय वेबसाइट एंड यूट्यूब चैनल। इसके बाद आपने यहाँ से अपनी बेस्ट ऑप्शन चूज कर लेनी है। हम चूज करते हैं ब्लॉग, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। देन यहाँ से हमने चूज करना है कि अमेज़न एफिलिएट के बारे में हमें कैसे मालूम पड़ा, तो हम पहली ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद आपने कैप्चा एंटर करना है, देन एग्री पे क्लिक करने के बाद आपने क्लिक करना है फिनिश पर। लें जी, हमारी यूनिक एसोसिएट आईडी क्रिएट हो चुकी है और अमेज़न एसोसिएट प्रोग्राम हम ज्वाइन कर चुके हैं। ये हमारी आईडी है, इसको अच्छी तरह नोट कर लें अपने पास कहीं पर भी। अब यहाँ पर आपने अपनी पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है नाउ पे क्लिक करने के बाद। अब यहाँ पे आके पाकिस्तानी यूजर्स स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनके फोन पे ओटीपी कोड नहीं आता। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरीके को जरा अच्छी तरह समझ लें। आपने वापस गूगल में आ जाना है, यहाँ पे आपने टाइप करना है Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, देन आप इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारा अकाउंट प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे ओटीपी भी नहीं मांगा जा रहा। आपने क्लिक करना है सबमिट टैक्स इन्फॉर्मेशन पर और आपके सामने अगली विंडो आ जाएगी बिना किसी ओटीपी कोड को मांगे। इसलिए आपने इस ऑप्शन को बिल्कुल स्किप कर देना है और यहाँ पे आपके सामने इनकम्प्लीट की ऑप्शन शो हो रही होगी। मेरा ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आपने कैसे करना है आप इस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने इस पेज के बजाय ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, नो अपना फुल नेम देना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, अपना एड्रेस वगैरह एंटर करना है, मेलिंग एड्रेस आपने सेम रखना है। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड एंटर कर देना है। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर इस ऑप्शन को चेक मार्क करने के बाद यहाँ पर आपने अपना फुल नेम एंटर करना है, जिस डेट को आप ये काम कर रहे हैं वो डेट आपने चूज कर लेनी है। इसके बाद सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमने एग्री नहीं किया, एग्री कर लेना है, देन अगेन सबमिट फॉर्म। ले जी, हमारी टैक्स इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली सबमिट हो चुकी है, दैट्स इट। एग्जिट इंटरव्यू पे क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली और कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगेन रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी सबमिट पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ऐड अ न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पाकिस्तान की ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपने क्या करना है, उसका बेस्ट सोल्यूशन है पेयोनीर अकाउंट। वो आपने कैसे बनाना है, ये आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, इसको देख लें। और अपना पेयोनीर अकाउंट बनाने के बाद उसकी डिटेल यहाँ पे आपने एंटर कर देनी है और अपनी तमाम डिटेल एंटर करने के बाद आपने क्लिक करना है सेव चेंजेस पर। जी, हमारा बैंक सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। नीचे अगेन रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, इट मींस कि हमारा प्रॉपर्ली अकाउंट क्रिएट हो चुका है Amazon का एफिलिएट अकाउंट। अब इसके बाद वापस आप अपनी साइट पर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे Amazon एफिलिएट पर। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको चाहिए API की, सीक्रेट की, कंट्री एंड ट्रैकिंग आईडी। इसके लिए वापस आप अपने Amazon में जाएंगे और टूल्स पे क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग API पर। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझें, पहले आपको API फौरन मिल जाती थी, लेकिन अब आपको API मिलेगी 3 क्वालिफाइड सेल्स के बाद। इससे पहले यहाँ पर आपको API नजर नहीं आने वाली। तो इसका अल्टरनेटिव क्या करेंगे आप जाएंगे वापस अपनी साइट पर, आ जाएंगे प्लगइन्स में, एड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे फ्लक्स गॉटन। इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। इसके बाद आपने क्लिक करना है न्यू पोस्ट पर, एड न्यू पोस्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप चाहें तो कंपैरिजन कर सकते हैं, टॉप 5 गैजेट्स के बारे में बात कर सकते हैं, या सिंगल सिंगल पोस्ट बना सकते हैं उस चीज की खसूसियात के बारे में बताकर। तो इस काम के लिए आप आ जाएंगे Amazon पर। अब आपने यहाँ पर अपनी साइट की जो भी निश रखी है, जैसी भी प्रोडक्ट आप अपनी साइट पे लेके जाना चाहते हैं उस तरह की प्रोडक्ट आप सर्च करेंगे। जैसे मैंने अपनी साइट का नेम रखा है बेस्ट बैकपैक चॉइस, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट बैकपैक फॉर कैंपिंग। तो हमारे पास ये बैकपैक आ चुके हैं। अब इनमें से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी बैग चूज करना चाहें आप उस पर क्लिक करें। ये बैग आपके सामने ओपन हो चुका है, प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे आपको ऊपर नजर आएगा गेट लिंक, ये आपकी Amazon एफिलिएट आईडी के साथ ऑटोमेटिकली लिंक बना के दे दिया जाएगा आपको। आपने इसको कॉपी कर लेना है। सबसे पहले तो आप इसे कॉपी करके अपने पास रख लेंगे। इसके बाद आप क्लिक करेंगे इसके टाइटल पर और इसे कॉपी कर लेंगे। वापस अपनी साइट में आएंगे, यहाँ पे इसका टाइटल दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहां से आप चूज करेंगे AI कंटेंट क्रिएटर पर। यहां पर आप टाइप करेंगे राइट आर्टिकल अबाउट और इसी टाइटल को आप कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहां से आप पोस्ट टाइप चूज करेंगे कि आपको पोस्ट किस तरह की चाहिए, नेचुरल रखें, शॉर्ट चाहिए, मीडियम चाहिए, लॉन्ग चाहिए। हम मीडियम पर क्लिक कर देते हैं। अगर इमेजेस वगैरह ऐड करनी है तो उसको भी ऑन कर दें एंड क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर दें। और चंद ही सेकंड्स में आपको लिखना नहीं पड़ेगा, AI खुद आपको इस चीज के बारे में आर्टिकल बना के दे देगा। लें जी, प्रॉपर आर्टिकल हमारे सामने बन के आ चुका है। अगर आपको ये बिल्कुल ओके लगे तो आप क्लिक करेंगे यूज दिस कंटेंट पर।
तो ये आर्टिकल फौरन आपकी पोस्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ से इस इमेज को हमने रिमूव करना है क्योंकि इमेजेस हमने अपनी लेके आनी है। इसको कर देते हैं डिलीट। इसके बाद अगेन आपने इस टाइटल को कॉपी कर लेना है और पोस्ट के बॉटम में आ जाना है। यहाँ प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मिलेगा आपको वो प्लगइन जो आपने इंस्टॉल किया था, अमेज़न प्रोडक्ट रिव्यू। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपने इसी टाइटल को पेस्ट कर देंगे अगेन। इसके बाद आ जाएंगे अमेज़न की साइट पर। इस इमेज को आप अपने पास सेव कर लेंगे। इसके बाद आपने गेट लिंक पे क्लिक करके उसी लिंक को दोबारा कॉपी कर लेना है जो आपका बना है अमेज़न एफिलिएट अकाउंट का लिंक। अब आ जाएंगे वापस अपनी पोस्ट में। यहाँ पर ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और उसी बैग की पिक्चर को आप चूज कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास बैग की इमेज आ चुकी है। अब इस टाइटल को आपने सिलेक्ट करना है और जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको अपने यहाँ से अटैच कर देना है। ये अटैच हो चुका है लिंक हमारा। अब हमने यहाँ पर फीचर्स, इसकी प्राइस, इसकी रेटिंग और बटन के साथ लिंक को ऐड करना है। उसके लिए आप सबसे पहले बटन पे क्लिक करेंगे, जो लिंक आपने कॉपी किया हुआ है उसको पेस्ट कर देंगे और वापस अमेज़न पे जो इसकी प्राइस है उसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद इसकी रेटिंग देख ले, रेटिंग क्या है, 4.6 है तो रेटिंग आप 4.6 को सेट कर दें। यहाँ पे आपको नजर आएगी रेटिंग 4.6 कर दी हमने। अब आपने यहाँ पर इसके फीचर्स को ऐड करना है। टेक बैकपैक लिख दें फीचर्स में आने के बाद। अगर आप फीचर्स कम ज्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन जी हमारा एक प्रॉपर आर्टिकल बन चुका है टाइटल के साथ, उसकी डिस्क्रिप्शन के साथ, उसके फीचर्स के साथ, बेनिफिट्स के साथ, कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। और नीचे आ चुका है हमारा अमेज़न एफिलिएट का लिंक, प्रॉपर पोस्ट की पिक्चर, टाइटल, उसके फीचर्स, उसके रेट, उसकी रेटिंग और बाय लिंक के साथ। यहाँ से हमने क्लिक करना है सिंपली पब्लिश पर। अगेन पब्लिश, लें जी हमारे आर्टिकल पब्लिश हो चुका है। व्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, लें जी प्रॉपर एफिलिएट साइट बनके आपके सामने आ चुकी है bestbackpackchoice.com। हमने जो प्रोडक्ट ऐड की है वो हमारे सामने आ चुकी है, उसकी मुकम्मल डिटेल और ये रहा उसका बाय लिंक। जब आपकी ऑडियंस, आपका व्यूअर इसको रीड करने के बाद बाय नाउ पे या इसके टाइटल पे क्लिक करेगा तो फौरन आ जाएगा अमेज़न के पेज पर आपकी एफिलिएट आईडी के साथ। और जैसे ही कोई इसको बाय करेगा आपके लिंक के साथ तो फौरन आपका जो कमीशन है यहाँ पे आपके सामने मेंशन हो जाएगा। तो इस तरह आप अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बना के उस साइट पे आप सिंगल सिंगल पोस्ट को ऐड करें, रिव्यूज कर लें, कंपैरिजन कर लें, गुड एंड बैड कर लें, जैसे भी आप आर्टिकल्स बनाना चाहें, अपनी साइट का माहौल बनाना चाहें आप इजीली बना सकते हैं। और आपको खुद से कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, आप ये सारा काम चैट जीपीटी या फिर होस्टिंगर के अपने एआई क्रिएटर से करवा सकते हैं। और अगर कहीं पे कुछ गलत लगता है तो आप उसको खुद एडिट भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम करने से पहले आपने अपनी साइट के एडमिन पैनल में आने के बाद अपीयरेंस में आप अच्छी सी थीम को चूज करें, जितने भी यूजफुल प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करें, एक्टिवेट करें, उनकी सेटिंग करें। जितना आपकी साइट का माहौल अच्छा होगा, उसका व्यू अच्छा होगा, एनवायरमेंट अच्छी होगी और डिफरेंट टाइप के प्लगइन्स से आपकी साइट की स्पीड और इजी टू नेविगेट होगा, उतना ही व्यूअर आपकी साइट में इंटरेस्ट लेगा, आपकी साइट पे, आपके रिव्यूज पे, आपके कंपैरिजन पे ट्रस्ट करेगा, जिससे इंशाल्लाह आपको अनलिमिटेड लीड्स मिलेंगी। और जब आपकी 3 या इससे ज्यादा सेल्स आ जाएंगी, आप होस्टिंगर के प्लगइन में आएंगे और अमेज़न एफिलिएट अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर आप अपनी अमेज़न की एपीआई की और सीक्रेट की वगैरह को ऐड कर देंगे, जिससे अमेज़न की प्रोडक्ट को लिंक करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। इतना आसान हो जाएगा कि आपने सिर्फ लिंक कॉपी करना है, उसकी तमाम डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट में ऐड हो जाएगी। लेकिन ये काम आप कर सकेंगे कम अज कम 3 ऑर्डर्स लाने के बाद। और अच्छी तरह समझ लें कि ऑर्डर ऐसे ही नहीं आ जाते, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, सब्र करना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपनी साइट में जितने ज्यादा आर्टिकल्स बना सकें, जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकें वो काम करें। जब आपकी साइट में अच्छा भला कंटेंट ऐड हो जाए, इसके बाद आप इस साइट की मार्केटिंग करें, सोशल मीडिया पे शेयरिंग करें, अगर बजट है तो पेड प्रमोशंस करें, किसी यूट्यूबर, टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर को जानते हैं तो उससे इसकी प्रमोशन करवाएं और हर आर्टिकल को ऐड करते हुए उसकी प्रॉपर एसईओ करें, क्योंकि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सबसे बेस्ट वे है अपनी साइट पे ट्रैफिक लाने का। तो ये है प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट। डोमेन और होस्टिंग आपने कैसे सेटअप करनी है, अमेज़न एफिलिएट अकाउंट आपने कैसे बनाना है, उसे कैसे एक्टिवेट करना है, उसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, इसके बाद अपनी साइट पे अपने प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है, ये तमाम तरीका मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया है। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लें। इसके बावजूद अगर आपको समझ नहीं आती तो वीडियो को आप 0.5x पे प्ले करके देखें, इंशाल्लाह हर चीज क्लियरली समझ आ जाएगी। इस काम के लिए सबसे पहला स्टेप है डोमेन और होस्टिंग, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपके अंदर काम करने का जज्बा है, सब्र है और आप कंसिस्टेंसी से काम कर सकते हैं तो आज ही बिस्मिल्लाह करें, इंशाल्लाह इस तरीके से आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मेरी इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह इससे भी आपको भरपूर नॉलेज मिलेगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामुअलैकुम।